हेलो दोस्तों, अक्सर हमने सुना है कि जिम में लोग कहते हैं हमको कि अगर हम लाइट वेट ज़्यादा मारेंगे तो हमारी कटिंग ज़्यादा आएगी, डेफिनेशन ज़्यादा आएगी। बट इसी के अपोजिट कई लोग कहते हैं कि हैवी वेट मारो, जिससे हैवी वेट मारने से जो हमारी सेपरेशन है वो अलग दिखेगा। तो कई लोग हमारे जो बिगिनर्स भी होते हैं, जो जिन्होंने जिम ज्वाइन किया होता है, उनमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है ये कि हम लाइट वेट ही मारें या हैवी वेट स्टार्ट करें। तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक एक्सपर्ट हैं, मिस्टर जगदीप, जो कि फिटनेस ट्रेनर भी हैं और सर्टिफाइड न्यूट्रिशन भी हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं आज कि जो जिम में बिगिनर्स होते हैं या जो पुराने भी हैं जिनको कन्फ्यूज़न है कि हैवी वेट स्टार्ट करना चाहिए या लाइट वेट को ही जारी रखें अगर उनको अच्छी कटिंग लेके आनी है। तो चलिए स्वागत करते हैं मिस्टर जगदीप का। हेलो। हेलो। और सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ? हम भी बढ़िया हैं। तो आइए जानते हैं हम इनसे। तो जगदीप जी, जैसे मैं अपने व्यूअर को बता रहा था कि जिम में जब हम जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो अक्सर लोगों के मन में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि हम जाएँ लाइट वेट से स्टार्ट करते हुए सीधा हैवी वेट पर पहुँच जाएँ या फिर हम लाइट वेट को ही कंटिन्यू रखें अगर हमको ज़्यादा डेफिनेशन चाहिए, सेपरेशन चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कई लोगों को जो कि बोलते हैं कि आप लाइट वेट जितने ज़्यादा मारेंगे उतनी ज़्यादा कटिंग आपकी आएगी। तो ज़रा आप अपने हमारे व्यूज़र्स को बताइए। बिल्कुल जी, कि उनको क्या करना चाहिए, हैवी वेट में ट्रेनिंग करनी चाहिए या लाइट वेट की ट्रेनिंग जारी रखें। हाँ जी, आपने सही बात बोली कि जैसे कि आपने बताया कि लाइट वेट से कटिंग आ जाती है, ये सब मिथ है। लाइट वेट से कटिंग कभी नहीं आएगी। जब हम एक्स वर्कआउट स्टार्ट करें तो हाँ, तो हम लाइट वेट लें, बट जैसे जैसे हमें हमारा फोकस भी होना चाहिए कि हम हैवी वेट की तरफ जाएं। यानी कि हैवी वेट मींस जिसके साथ हम 7 से 8 रैप मार पाएं, वो हमारी हैवी वेट है। तो एक तरफ हैवी वेट के कई सारे बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट्स आप लाइट वेट पे नहीं ले सकते। हैवी वेट के मैं आपको बेनिफिट और लाइट वेट के बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। लाइट वेट से ये है कि अगर आप ज़्यादा रेपिटेशन करेंगे तो आपको हाइपोट्रॉफी मिल सकती है, यानी कि मसल्स का साइज, और यही बेनिफिट आपको हैवी वेट में भी मिलता है। बट हैवी वेट में इसके साथ साथ हमें बोन डेंसिटी, हमारी बोन स्ट्रांग होती है, और कोर इन्वॉल्वमेंट, ये जो कोर है पूरा इसका, ये जो हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इन्वॉल्व होता हैवी वेट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारी जो हैवी वेट मारते हैं वो हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारे में एंड्योरेंस आता है उससे। और इसके कई और बेनिफिट हैं, हमारी मोटर यूनिट्स यानी कि जो हमारी मसल्स फाइबर हैं ज़्यादा रिक्रूट होती हैं जब हम वेट उठाते हैं, और हमें ताकत मिलती है। इतने सारे बेनिफिट हैं, तो मेरे ओपिनियन से हमें हैवी वेट मारना चाहिए, और यही हमारे लिए अच्छा है, हमारी मसल्स के लिए अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। तो मैं जिम में जितने भी जाते हैं या जो घर पे वर्कआउट करते हैं उनको यही सजेशन देना चाहता हूँ कि वो हैवी वेट की तरफ फोकस करें और इन बातों से दूर रहें कि लाइट वेट से कटिंग आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जगदीप जी, जैसे अभी आपने बताया कि आप जैसे हैवी वेट मारेंगे तो कोर पर भी फ़र्क पड़ता है, तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि हैवी वेट से कोर का क्या रिलेशन है? एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, स्क्वाट लेके जब हम मारते हैं, हैवी वेट मारते हैं, तो हमारा उसमें पूरा बहुत ज़्यादा उसमें हमारा कोर इन्वॉल्व होता है। स्क्वाट में जब हम हैवी वेट लेते हैं तो ये हमारी कोर की एक्सरसाइज भी हो जाती है स्क्वाट करते करते। ऐसी कई हैवी वेट लेके जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें कोर इन्वॉल्व होता है। तो बहुत अच्छी जानकारी दी जगदीप जी ने हमको। तो चलिए इनको विदा करते हैं आज के लिए। चलिए जगदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे एक अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए, और आप अपने डाउट या कुछ भी टॉपिक के बारे में आप हमको मैसेज करें, हम उसके बारे में बताएंगे, उसको पूरी डिटेल में और साइंस के साथ आपको बताएंगे। हाँ, तो व्यूअर्स आप बताइए मेरे को, मैं इनसे पूछूंगा क्वेश्चन, जो भी आप मुझको बताएंगे तो आपको आंसर इनसे मिल जाएंगे, जैसे इन्होंने कहा कि हर कमेंट्स का जवाब देंगे आपको। तो चलिए हम मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ, आप कमेंट में देते रहिए क्वेश्चन अपने। चलिए, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके जगदीप जी।